Hey everyone, welcome back to my channel Monica Sudhan. As you all are aware that this is the festive season and everyone is decorating their homes. So I have also given a little bit of makeover to my living area. So this video is all about that. If you guys like it, please share it and subscribe my channel. So without doing any delay, let's get into the video. गैस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कारपेट था उसको मैंने अभी हटा दिया है क्योंकि मुझे उसकी क्लीनिंग करनी है और मैंने कर्टन्स भी हटा दिए हैं वो भी मैंने वॉश करने के लिए रखे हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट सिनेरियो। अभी मेरा लिविंग एरिया जो है वो ऐसा दिख रहा है। सो नाउ आई हैव इन्वॉल्व माई हस्बैंड टू पेंट द डोर बिकॉज मैं चाहती थी कि डोर को एक डिफरेंट सी लुक दी जाए। मेरे फॉल सीलिंग का कलर है लिविंग एरिया में वो स्काई इंडिगो कलर का है। तो दैट्स व्हाई आई थॉट लेट्स गिव इट लाइक अ बिट ऑफ यू नो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने डोर को भी उसी कलर में पेंट करवा दिया। आई वॉज नॉट वेल, दैट्स व्हाई आई एम नॉट पेंटिंग। अदरवाइज पहले जो आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा मंदिर के मेकओवर का, तो उसमें सारा मैंने खुद ही किया था। ऑल्दो माई हस्बैंड हेल्प्स मी अ लॉट इन एवरीथिंग। सो और सोफ़ा तो इतना गंदा था, इस पर ब्लैक कलर के स्टेन्स, लाइक जब भी बच्चे घर में आते हैं तो कुछ कुछ गिरा देते हैं, तो डस्ट अच्छे से कॉटन क्लॉथ से क्लीन कर लो पहले, ताकि जो दूसरी बार आप क्लीनिंग करो उस पर कोई भी ऐसी मिट्टी विट्टी ना आए। ऑल दो मेरा घर बंद रहता है लेकिन फिर भी इस पर बहुत डस्ट आती है। तो मैंने प्रॉपर क्लीनिंग करने के बाद कुछ नहीं किया। हम जो भी डिश वॉशर लिक्विड होता है, कोई भी लिक्विड लेके आप पानी में डाल लो, एक स्क्रब टाइप प्लास्टिक स्क्रब लो, नॉट स्टील वूल, उससे तो सोफ़ा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने स्टील ये प्लास्टिक का स्क्रब लिया है और उससे मैंने क्लीन किया एंड आई वॉज़ लाइक इतना डिफरेंस आया था उसके बाद, तो आई वॉज शॉक टू सी कि सोफ़ा इतना गंदा था। ऑल्दो इट वॉज़ नॉट दैट विजिबल, पहले इतना पता नहीं चल रहा था, बट अभी आप देखेंगे तो एक साइड जैसे क्लीन हो रही है तो वो सामने पता चल रहा है कि वो वाला कितना गंदा लग रहा है उसके कंपैरिजन में। तो ऐसे तो बहुत सारे वॉशर्स मिलते हैं मार्केट में, बट आई थिंक डिश वॉशर इज द बेस्ट सोल्यूशन टू क्लीन योर सोफ़ा इफ़ इट इज़ लेदराइट सोफ़ा। इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। I have cleaned that portion and that portion is left. I didn't clean it yet. Just wanted to show you the difference after cleaning. Can you see? My goodness, huge difference. And this one is all cleaned. ये एकदम क्लीन हो गया है और पर्दे भी मेरे वॉश हो चुके हैं। अब मैं पर्दे लगा रही हूँ। आई ऑलवेज प्रेफर शीयर कर्टन्स बिकॉज इनकी क्लीनिंग बहुत ईजी होती है। ऑल्दो मेरे पास ब्लाइंड कर्टन्स भी हैं, ब्लैक आउट कर्टन्स भी हैं, बट वो बहुत हैवी होते हैं और उनको रोज़ रोज़ क्लीन करना इज़ नॉट ईजी। बट आपके पास अगर लाइट शीयर कर्टन्स हो तो आप मंथ में एक बार या 15 डेज में एक बार आप ईजिली उनको वॉश कर सकते हो। सो ग्लास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्लीन करने के लिए मैं कॉलिन ही यूज़ करती हूँ। गाइस मेक श्योर आप लिविंग एरिया में आपके प्लांट ज़रूर हो, क्योंकि प्लांट आपके लिविंग एरिया को एक बहुत ही लाइवली लुक देता है। और ये कुशन कवर्स भी मैंने नए लिए हैं, मैंने अमेजन से ये कुशन कवर्स लिए हैं। इफ़ यू गाइस लाइक दिस कवर्स, इफ़ यू गाइस ऑल्सो वॉन्ट दिस, तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू कैन बाय देम फ्रॉम देयर। सो एक्चुअली द थिंग वॉज आई वॉन्टेड टू कोऑर्डिनेट एवरीथिंग। सो मेरे कुशन कवर्स जो हैं वो फॉल सीलिंग के साथ और पर्दों के साथ मैच कर रहे हैं। सो ये हमारा टीवी कैबिनेट है, इसकी वैसे तो मेरी मेड क्लीनिंग रोज करती है। सो गाइज ये स्टारी लाइट्स हैं, ये भी मैंने अमेजन से ली हैं। मुझे तो ये बहुत पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई, इनसे बहुत ही अच्छा लुक आया घर का। ये इनका इनको अगर आपको ये भी अच्छी लगती हैं तो इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर। ये आपके घर के लुक को कम्प्लीटली चेंज कर देंगी। मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इनको लगाने में, क्योंकि हमारे पास
स्टेयर्स नहीं थे। मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में इसलिए वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि अगर मैं स्लो मोड में दिखाती तो ये वीडियो पता नहीं एक मूवी से भी ज़्यादा लंबी हो जाती, तो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग इट इन फास्ट मोड। सो गाइस, दिस इज़ द कारपेट। कारपेट मैंने चेंज नहीं किया बिकॉज कारपेट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन चेंज एवरी यू नो एवरी मंथ और ईयर। तो वैसे भी ये कारपेट मेरे लिविंग एरिया के इंटीरियर के साथ बहुत मैच करता है और मुझे मैचिंग कुछ इजीली मिलता नहीं है, तो दैट्स व्हाई इसको मैंने पहले अच्छे से वॉश करवाया, फिर उसके बाद हमने खुद भी इसकी घर पे वैक्यूम से क्लीनिंग की है। ये भी मैंने अमेज़न से लिया था, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये हमारा छोटा सा बार काउंटर है जो फ़िलहाल तो यूज़ नहीं होता, सिर्फ तभी यूज होता है व्हेन वी हैव गेस्ट इन आवर होम एंड वी डू पार्टी एंड स्टफ। सो सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका फ्रिज कहाँ है। सो गाइज देख लो भाई,